झारखंड भारत की वन संपदा से प्रबल राज्यों में से एक है। यहाँ के ग्रामीण नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट यानी कि लघु वनोपज के माध्यम से अपना जीवन यापन करते हैं। इस काम में महिला किसान प्रमुख रूप से शामिल हैं। लेकिन अधिक पारिश्रमिक न मिल पाने के कारण ये महिलाएं जंगलों के मूल्यवान लघु वनोपज से पलायन करने लगे थे, जिसका मुख्य कारण कृषि प्रशिक्षण का अभाव था। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने गांव की महिला किसानों को लघु वनोपज से जोड़े रखने के लिए वन सखी योजना की शुरुआत की, जिसका मुख्य उद्देश्य लघु वनोपज जैसे इमली, मशरूम, लाख, कुकून इत्यादि के संग्रहण एवं बिक्री को आजीविका का प्रमुख जरिया बनाना है। वन सखी को लघु वनोपज की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए खेती की वैज्ञानिक तकनीकों के बारे में प्रशिक्षित किया जाता है, जिससे उनके कौशल में वृद्धि होती है और उन्हें जीवन की मुख्य धारा से जोड़ा जाता है। झारखंड के चाईबासा में असन और अर्जुन के वृक्ष अधिक पाए जाते हैं, जिससे यहां कुकून की खेती पारंपरिक खेती में से एक है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित वन सखी की ट्रेनिंग में यहाँ की महिला किसानों को कुकून खेती के बुनियादी बीज उत्पादन, व्यावसायिक बीज उत्पादन, तितलियों की जाँच, DFL टेस्टिंग, रोग मुक्त अंडे की पहचान, पेड़ों पर दवाइयों का छिड़काव, कोशा संग्रहण इत्यादि के बारे में प्रशिक्षित किया गया। इन सभी जानकारी से ही अच्छे व गुणवत्तापूर्ण कुकून का निर्माण किया जा सकता है। दासमती इन्हीं वन सखी में से एक है। दासमती के ससुर भी कुकून की खेती करते थे, लेकिन अच्छे कुकून उत्पादन न करने के कारण उन्होंने इसकी खेती करना छोड़ दिया। दासमती ने परिवार की पारंपरिक खेती को सक्रिय रखने का फैसला किया। वन सखी की ट्रेनिंग से प्राप्त हुई जानकारी से दासमती ने सभी वैज्ञानिक तकनीकों को ध्यान में रखकर कुकून की खेती की, जिससे उसने उच्च गुणवत्ता वाले कुकून का उत्पादन किया। दासमती ने कुकून बैंक में सरकारी मूल्यों पर अपने कुकून को बेचा, जिससे उसे 24,000 से 30,000 रुपए तक की कमाई आसानी से हो जाती है। जब मैंने प्रशिक्षण प्राप्त करके आई तो हमारे पास में पैसा नहीं थी, तो मैं समूह से कुछ लौंग लेकर इस बीज को खरीदी। इस लौंग के सहारे से मैंने वहाँ से 5,000 रुपया ली थी, तो एक पैकेट लेने से 1,200 रुपया मेरा लगा, लेकिन मैंने कमाई वहाँ से 25,000 रुपया, तो उसको भी मैं समूह की पैसा चुका दी और कुछ उससे भी 20,000 पैसा मेरा बचत हो गया। तसर की खेतियों से मैं कुछ पैसा अच्छा तरह से कमा रही हूँ और हमारी बच्चों को भी मैं पढ़ा सक रही हूँ। वन सखी होने के नाते दासमती ने गांव की अन्य महिलाओं को अपने साथ सखी मंडल समूह से जोड़ा और उन्हें भी कुकून उत्पादन के सही और वैज्ञानिक तकनीकों की जानकारी दी। दासमती के निरंतर सहयोग से चंदूकुई भी उच्च गुणवत्ता वाले कुकून का उत्पादन करने लगी, जिससे लंबा और बिना टूटा रेशम का धागा निकलता है। चंदूकुई अपनी साइकिल पर इन कुकून को कुकून बैंक को बेचती है। सरकारी मूल्यों पर बेचने पर उसे पहले से अच्छी आमदनी प्राप्त होती है। चंदूकुई ने अब अपने कच्चे घर को पक्का कर लिया है और हर तीज त्योहार पर अपने बच्चों के लिए वो नए कपड़े भी ले आती है। वन सखी चंदूकुई कुकून को बेचने के साथ साथ कुकून बैंक से जुड़कर DLF टेस्टर के तौर पर भी काम करती हैं। पहले जो हम लोग खेती करते थे, रोग हम लोग को पता नहीं चलता था। अभी जो हम लोग टेस्टर करके हम लोग अपने से कर रहे हैं, तो रोग देख के हमको पता चल रहा है कि अच्छा से गोल गोल दिखता है वो वाला, अच्छा DFL है। जो छोटा छोटा चावल दाना जैसे दिखता है वो वाला, ये फेब्रिन वाला है। सभी उत्पादक समूह किसानों से प्राप्त कुकून को कुकून बैंक पर लेकर आते हैं, जहां पनमई दीगी इन कुकून को हॉट एंड ड्राई मशीन में डालकर इनकी नमी को खत्म करती है, जिससे ये कुकून सालों तक स्टोर किए जा सके। कुकून ड्राई मशीन में सुखाने के बाद हम लोग धूप में सुखा देते हैं। धूप में सुखाने के बाद हम लोग उसको बोरा में पैक करके हम लोग फिर से उसको रैक वाइज में हम लोग रख देते हैं। कुकून खेती से भी हम लोग को पैसा मिलता है और कुकून बैंक में काम करने से भी हम लोग को पैसा मिलता है, और उसमें हम लोग का बदलाव बहुत ही अधिक आ गया है, और उससे हम लोग का परिवार भी बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा है। ग्रामीण मंत्रालय के वन सखी ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से भारत में लघु वनोपज की गुणवत्ता व बिक्री में वृद्धि हुई है।
वनों के आसपास रहने वाली ग्रामीण महिलाएं आज वन उत्पादों पर आश्रित हैं और आर्थिक रूप से स्वतंत्र व आत्मनिर्भर बन रही हैं।